सवाल है स्कॉर्पियो सुजुकी ब्रीजा 2022 के बारे में। फ्रंट प्रोफाइल इस कार की वो ओल्ड वाली ब्रीजा से पूरी चेंज कर दी गई है। जो ओल्ड वाली ब्रीजा थी उसमें ज्यादा क्रोम दिखता था, वो देखने में इससे ज्यादा बल्की लगती थी और ये लीक्स हैं भी कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है इनसे। जब शोरूम पर अवेलेबल हो जाएगी तभी पता चल पाएगा कौन सी कार देखने में बढ़िया लग रही है। बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, वो जो ग्रिल है वो पूरी चेंज कर दी गई है। बात करता हूँ हेडलाइट के बारे में, DRS मिल जाती है आपको, नीचे की साइड सिल्वर स्किड प्लेट। मारुति सुजुकी कोई सी भी कार में आपको सनरूफ नहीं मिलती है, लेकिन इस वाली ब्रीजा में आपको सनरूफ भी मिल जाएगी। तो ये तो बात रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल। बड़ी सी क्लैडिंग दी गई है आपको जो कि फुल बॉडी में रहने वाली है। ऊपर की साइड रूफलेस इंडिकेटर ORBM पर और कुछ इस तरह के मिल जाएंगे आपको अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स तो देखने में बढ़िया लग रहे हैं इस कार के। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल। पर्सनली जो इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल थी मुझे इतनी देखने में अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे इस कार की बैक प्रोफाइल लगी। बैक से देखने में बहुत बढ़िया लग रही है कार। ऊपर की साइड हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा आपको, रियर बाइफर डिफोगर, सुजुकी का लोगो, नीचे की साइड ब्रीजा लिखा गया स्पेस देकर, LED टेल लाइट मिल जाएगी आपको, नीचे की साइड सिल्वर स्किड प्लेट। और डीलर्स पे ये कार आ गई है तो जल्दी आपको और लीस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी इस कार की। तो बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में, तो आप मान सकते हैं 70,000 to 80,000 रुपीज प्राइस बढ़ जाएगा इस कार का ओल्ड वाली ब्रीजा से। और इस कार के इंटीरियर में भी आपको बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे 360 डिग्री कैमरा हो गया, जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको डिकट मिल जाएगा जैसा आपको बलिनो में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए फिर इस कार की और लीक्स या फिर कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और आपको वाली वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।